आपने आए दिन कई बाबाओं के कारनामे देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बाबा देखा है जो सोने के लिए बिस्तर का नहीं बल्कि पेड़ का इस्तेमाल करता है? मामला यूपी के बहराइच से है, जहां एक बाबा रात को पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और पत्तों पर सोते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये आंखों देखी घटना को झुठलाया भी नहीं जा सकता। इनकी आयु 50 से 60 साल के बीच है, लेकिन इतने बूढ़े होने के बाद भी ये बाबा 60 फीट ऊंचे पेड़ पर इस तरह चढ़ जाते हैं मानो ये कोई बच्चों का खेल हो। लोगों की माने तो बाबा का ये कारनामा अविश्वसनीय है। वहीं बाबा की माने तो उनको खुद नहीं पता कि वो इतनी उम्र होने के बाद भी कैसे पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। तो श्याम प्रकाश पांडे जी, और कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कोई बोली मार दे तो वो नहीं चढ़ सकते, कोई सोने से तोड़ दे तब भी नहीं चढ़ सकते। हनुमान जी की दया हो तो मैं सिमरा के पत्ता पर पहुँचा दे। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के रामपुरवा के पन्हा गांव में रहने वाले बाबा ने अपने कर्तव्य से गांव वासियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। इस बाबा ने अपने कारनामे से सभी को हैरत में डाल दिया है। बाबा का ये पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठने की कला लोगों के गले नहीं उतरती। मैंने भी देखा, 6 दिन हो गए, 7 दिन, तब से बाबा को कभी पेड़ पे कभी नीचे, और बात सच है, मैं आप रोज ही देखता हूँ। ये देखा कि पेड़ के ऊपर बाबा चादर बिछा हुआ था और उस पे बाबा बैठे हुए थे फुनगासे पे, यानी पत्ती के ऊपर। कोई इन्हें बंदरिया बाबा कहता है तो कोई इनको पत्ता बाबा के नाम से बुलाता है। कोई इनको कहता है कि पेड़ पर चढ़ना बाबा की आदत है तो कोई इस कारनामे को चमत्कार मानता है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन बाबा के इस कारनामे से जहां सबके होश उड़ गए हैं, वहीं लोग बाबा को पूजने भी लगे हैं।